5-6 फरवरी को इसी मंच से ये सवाल उठाया गया था कि ऐसे कुछ लोग जो गुजरात की सम्मानित मुख्यमंत्री की सम्मानित पुत्री के साथ व्यवसायिक संबंध रखते हैं, उनको बहुत ही सस्ते दामों के ऊपर, कौड़ी के दामों के ऊपर सरकारी जमीन गीर जंगल के आसपास मुहैया करवाई गई थी। इस सवाल का ना तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और ना ही जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो गुजरात की रेवेन्यू मिनिस्टर थी, उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब आया है। पिछले 2 दिनों में और तथ्य सामने आए हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि गुजरात सरकार ने तथाकथित अवैध तरीके से ये जो निजी इंटरेस्ट हैं उनकी मदद करने की कोशिश की है या उनकी मदद की है। 8 फरवरी 2010 को गुजरात सरकार का एक अध्यादेश जारी होता है कि गीर जंगल के 2 किलोमीटर के आसपास किसी तरह का कोई होटल, कोई कमर्शियल रिजॉर्ट नहीं बनाया जा सकता। 27 अक्टूबर 2010 को सरकारी जमीन का आवंटन होता है। जो जमीन और जो निजी जमीन खरीदी गई थी अधिकतर तौर पर इस 2 किलोमीटर के दायरे में है। उसके बाद अगले 5 वर्ष में वो जो कंपनी है उसकी ओनरशिप में परिवर्तन होता है और वो लोग जो मुख्यमंत्री की सुपुत्री के साथ बिजनेस के ताल्लुकात रखते हैं वो इस कंपनी के प्रमोटर बनते हैं। और फिर 1 जुलाई 2015 को कमर्शियल एक्टिविटी का जो दायरा है उसको बढ़ाने की जगह घटाकर 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कर दिया जाता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? और इस मामले के ऊपर, क्योंकि इसको क्रियान्वित तब किया गया था जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपकी जवाबदेही बनती है, आपको इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय को सुओ मोटो इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर इसकी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जब तक उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में जांच नहीं होती तो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा।